नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े ही मज़ेदार चॉकलेट केक की रेसिपी। इस केक को बनाने के लिए ना तो ओवन का इस्तेमाल किया गया है, ना ही अंडे का इस्तेमाल किया गया है, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया गया है, और ना ही इस केक को सजाने के लिए व्हीप क्रीम का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बना कैसे है, इसे जानने के लिए तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और तभी बना पाएंगे आप भी ऐसा ही मज़ेदार केक बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 1.5 कप मैदा। जो मैं इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट बता रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही लेना है, नहीं तो केक आपका अच्छा नहीं बनेगा। 1/4 कप लेंगे कोकोआ पाउडर, क्योंकि ये चॉकलेट केक है। यहाँ हम बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे, 1 छोटा चम्मच, जो सबके पास इजिली अवेलेबल होता है। पाउडर शुगर लेंगे 1 कप, लेकिन इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच शक्कर कम कर दिए हैं, और इसी तरह से आप भी इस्तेमाल करें। इन सबको या तो छन्नी से छान लीजिए या फिर इस तरह से विस्क से मिला लें अच्छी तरह से। इससे आटे में एयर इनकॉर्पोरेट होता है और इससे केक बहुत सॉफ्ट बनता है। अब एक दूसरे बाउल में आप लें 6 बड़े चम्मच सनफ्लावर ऑयल, या कोई भी आपके पास रिफाइंड ऑयल है जो इस्तेमाल करते हैं आप उसे ले लें। 1 कप पानी लेंगे, गर्म पानी यहाँ नहीं लेना है, जो नॉर्मल पानी होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे उसे ले लें। 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस, इससे आपका जो केक है बहुत ही मॉइस्ट बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब केक में एक का इस्तेमाल होता है तो उसमें वनीला एसेंस डालना जरूरी होता है, नहीं तो एक का फ्लेवर आता है। इसे मिला लें। मिलाने के बाद जो आटा हमने तैयार किया है उसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इस लिक्विड को उसको घोलें, एक साथ ना डालें नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाते जाएं, हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए। बहुत ही आराम से ये फोल्ड हो जाता है और इसमें गुठलियां नहीं पड़ती हैं। और ये देख रहे हैं आप कितनी आसानी से हमारा ये बैटर तैयार हो गया, बिल्कुल एक बराबर बना है और इसमें कोई लम्स नहीं है, और ये तैयार है बेकिंग के लिए। तो अब हम लेंगे मोल्ड, जिसको हमने ग्रीस करके लिए है और मैंने नीचे पार्चमेंट पेपर लगाया है। इसमें हम अपने बैटर को डालेंगे, और बैटर को डालने के बाद जैसा आपको पता ही है इसको टैप करना है, ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएगा और ये बिल्कुल एक बराबर हो जाएगा। और ये जो मैंने मोल्ड इस्तेमाल किया है ये 6 इंच का मोल्ड है, और इसकी हाइट 3 इंच है। वैसे नॉर्मल जो केक का मोल्ड आता है वो 2 इंच की हाइट में आता है, तो उसमें आप 9 इंच का टिन इस्तेमाल करें, परफेक्ट रहेगा। अभी मेरी कढ़ाई जो है प्री हीट हो गई है, मैंने 5 मिनट पहले रखा था, और अब इसमें हम अपने केक को रखेंगे और इसे बेक करेंगे 35 से 40 मिनट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो इसे टाइम लगेगा। और अभी ये देखिए हमारा केक जो है लगभग बेक हो चुका है। इसको हम चेक कर लेंगे टूथपिक की सहायता से, और टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन आउट हुआ है, यानी केक तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए बाहर रख दें। अब एक दूसरे बाउल में हम इसका ग्लेज तैयार करेंगे, चॉकलेट ग्लेज। इसके लिए 2 बड़े चम्मच बटर लेंगे, बटर रूम टेम्परेचर पे रहना चाहिए, और इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस 1/2 छोटा चम्मच, और कोकोआ पाउडर 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि ये चॉकलेट ग्लेज है तो इसमें जरूरी है कोकोआ पाउडर डालना। 1 कप लेंगे पाउडर शुगर, बिल्कुल फाइन होना चाहिए, या फिर आप आइसिंग शुगर इस्तेमाल करें सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ग्लेज बनाने के लिए जो पाउडर शुगर है बिल्कुल बारीक होना चाहिए पाउडर जैसे, तभी ग्लेज बहुत अच्छा बनता है। इन्हें अच्छी तरह से मिला लें, और मिलाने के बाद इसमें हम 1 छोटा चम्मच मिल्क डालेंगे। मिल्क भी ठंडा रहना चाहिए। इनको हैंड बीटर की सहायता से अच्छी तरह से बीट करें। 2-2.5 मिनट में ये बहुत अच्छा ग्लेज तैयार हो जाता है। जब इस तरह से ग्लेज तैयार हो जाए तो इसे फ्रिज में रखते हैं करीब 10 मिनट के लिए, और ये हमारा जो केक है ठंडा हो गया है। साइड से इसे थोड़ा सा लूज कर लें, इससे केक बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। अब इसके ऊपर जो पार्चमेंट पेपर है उसे निकाल दीजिए,
और जैसा आप देख रहे हैं ना, केक कितना सॉफ्ट बना है। अब जो केक का ऊपर का क्रस्ट है उसे निकालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। और इस केक का जो क्रस्ट है ना, ये फेंकना नहीं है, इससे हम बनाएंगे एक नया रेसिपी जो अगले मेरे वीडियो में आएगा। और अब जो केक की हम ग्लेजिंग करेंगे, तो जो हमने ग्लेज तैयार किया था इसके टॉप, और अंत में आप चाहें तो आपके पास चॉकलेट स्ट्रैंड्स हैं तो उससे सजा लीजिए, या फिर चॉकलेट को ग्रेट कर लीजिए इसके ऊपर, या फिर ऐसे ही आपकी ये चॉकलेट केक बहुत ही आसानी से तैयार हो गई घर के ही पड़े हुए सामानों से। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी चॉकलेट केक की। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।